स्वागत है धारी इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे। हर रोज़ की तरह हम लोग आज भी एक नए वीडियो के साथ आए हैं। हम लोग आज एक ऑनगोइंग साइट से लाए हैं वीडियो, जिसमें कि हम लोग बताएंगे बीम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग टोटली बीम और बीम का स्टेटअप के बारे में बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर जो आ रहा है वो एक बीम है, वो 1 फीट लटक प्लस 4 इंच का स्वच्छता आता है, यानी टोटल 16 इंच का ये बीम है। क्या इस बीम में हम लोग स्टील यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, स्टेटअप का साइज़ क्या होगा, स्टेटअप का डाया क्या है, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है वो एक बीम है, देखिए ये कैंटिलीवर बीम है आपके सामने, जो जनरली छज्जे वगैरह में दिया जाता है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बीम जो है एक बिल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम ना कभी बदल सकते हैं और ना ही किसी तरह को उसमें एडिट कर सकते हैं। एक बार जब अगर कास्ट हो गया तो इसीलिए बीम का डिज़ाइन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमेशा एक रिकमेंड किया जाता है कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही आप बीम का डिज़ाइन करवाएँ, लोकल में ना बनवाएँ। उससे क्या होगा कि एक बिल्डिंग आपका मजबूत बनेगा। कहाँ पर कैंटिलीवर बीम देना है, कहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस टाइप का बीम है, उस बीम में क्या स्टील रहेगा, कितने डाया का स्टेटअप हम लोग यूज़ करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो कभी भी लोकल में ना बनवाएं। लोकल में अगर आप बिना डिज़ाइन किए हुए अगर एक बीम को यूज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं, अगर उस पर लोड एक्स्ट्रा देते हैं, तो अगर उस पर स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है अगर बीम का तो ठीक है, अगर शेयर स्ट्रेंथ कम है तो फिर वो मुश्किल में आप आ जाएंगे, फिर बाद में हमें कुछ नहीं कर सकते उसमें। इसीलिए उसका बीम का जो स्टील है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आपके सामने देख रहे हैं, इसमें ये जो बीम है ये 16 इंच का बीम है। ये हम लोगों का एक ऑनगोइंग साइट है, वहीं से ये वीडियो ला रहे हैं, ताकि ये एक नॉलेजेबल वीडियो है। हमेशा हम लोग एक नया वीडियो के साथ आते हैं, आप बने रहिए पूरे इस वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हर वह वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 2000 स्क्वायर फीट का एक साइट है। ये सब ये स्टील का कटिंग किया गया है, स्टील का अकॉर्डिंग टू लेंथ कटिंग किया गया है। हम लोग आगे देखिए, यहाँ पे ये स्टेयर्स का है, जहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होते हैं। यहाँ से हमेशा एक छत की ढलाई के समय स्टेयर्स के लिए हम लोग स्टील यहीं से निकाल लेते हैं। और ये स्टीरअप का है, तो स्टीरअप में क्या होता है सर कि स्टीरअप में स्टीरअप का डिस्टेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। उसके बाद स्टीरअप का डाया बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टीरअप आप डाया आप यूज़ कर रहे हैं। स्टीरअप का जो बाइंडिंग होता है वो हमेशा अल्टरनेटिव्स में होना चाहिए, अल्टरनेट में होना चाहिए। अगर एक इस कोने पे है तो दूसरा उस कॉर्नर पे होना चाहिए। कभी भी लैपिंग ऑन द कॉलम नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है कि वहाँ पर स्टील बहुत ज़्यादा होता है और उससे कास्टिंग के दौरान हनीकॉम बनने का ज़्यादा चांस होता है। तो अवॉइड कीजिए आप हनीकॉम बनने से। तो बेहतर है कि हम लोग जो भी लैपिंग दें वो लैपिंग सेंटर में देना चाहिए, मिडिल में देना चाहिए और अल्टरनेट्स में देना चाहिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये कैंटिलीवर बीम है जिसमें हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टील ऊपर में होना चाहिए टॉप में और मिनिमम नीचे होना चाहिए। जो बेंडिंग मोमेंट होता है इसका वो ऊपर से होता है नीचे की ओर। ये कैंटिलीवर बीम है जो छज्जे में इस्तेमाल किया जाता है और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस बीम का स्पैम जो है लेंथ है कॉलम टू कॉलम 11 फीट। तो ये एक अंडर सेफ लोड है, सेफ डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा टॉप भी यूज़ किया है। 3 स्टील 16 mm का नीचे है, 3 स्टील 16 mm का ऊपर में है। ये देखिए ये 3 स्टील है ऊपर का। तीन 16 mm का स्टील है। ये डाउन स्लैब है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए,
बहुत ही अच्छा वीडियो हमने बनाया है ताकि आपको एक, अगर आप स्टूडेंट हैं, बिगिनर्स हैं, तो ये नॉलेज मस्ट होना चाहिए। ऑन साइट आप आपका एक तरह से ट्रेनिंग है जिससे कि आप जानकारी आपको मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइए। वैसे स्टील जो है मैक्सिमम नंबर नीचे होना चाहिए एक बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा टॉप दिया है दो, और साइड में कैंटिलीवर बीम है। और एक्स्ट्रा टॉप जो है हमेशा कम से कम 3 फीट 2.5 फीट से ऊपर का होना चाहिए। जैसे देखिए सामने स्क्रीन पे एक्स्ट्रा टॉप है। कुछ चीज़ें हैं बीम में जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आखिर क्या क्या यूज़ करना है। तो जिसमें कि एक्स्ट्रा टॉप हमेशा दिलवाना है अपने साइट पे। अगर आपका अपना कहीं साइट चल रहा हो तो एक्स्ट्रा टॉप ज़रूर दें आप। टॉप में 2 एक्स्ट्रा टॉप देना है, और नीचे में 4 स्टील रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। एक मिनिमम 4 होना चाहिए नीचे, और ऊपर में आप 2 दे सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है 4 16 mm का। और ऊपर में भी 3 है 16 mm का। ये देखिए ये 16 mm का 3 स्टील ऊपर में है। यहाँ पे जो स्टीडअप यूज़ किया गया है वो 8 mm का डाया है। यहाँ देखिए आप स्टीडअप हमेशा अल्टरनेट्स में देख रहे होंगे कि अल्टरनेट में डाला गया है। सभी का बाइंडिंग जो है एक साइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हनीकॉम से आप अवॉइड कीजिए, कॉलम पे हमेशा स्टील बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हनीकॉम आप अवॉइड कीजिए। और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। देखिए ये डेवलपमेंट लेंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। डेवलपमेंट लेंथ आपको ज़रूर मतलब दिलवाना ही चाहिए। ओपन बीम नहीं होना चाहिए कभी भी कॉलम पे। जहाँ भी बीम का एंडिंग हो वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए बीम का, जो कि आगे से एल लगा करके उसे अंदर की ओर फोल्ड किया जाता है इस तरह से। देखिए ये कैंटिलीवर है जिसका डेवलपमेंट लेंथ आपने देखा आगे से बंद है। बीम हमेशा आगे से एल बना करके एंड में उसे आपस में बाइंड कर दिया जाता है। यहाँ से स्टेयर्स का यह है रास्ता है। ये स्टेयर्स के स्टील्ड है। ये देखिए डेवलपमेंट लेंथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। जो भी एक नए बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो है। ये फ्रंट में हमने 6 इंच का बीम दिया है जिसमें कि 4 स्टील हमने इसमें 12 mm का स्टील यूज़ किया है। ये एक डिज़ाइन के लिए भी है फ्रंट से। और इसका स्टीरअप का डिस्टेंस होना चाहिए 6 इंच का पूरे बीम में, बट जो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन है आप L/3 करके आपका जो नज़दीकी कॉलम के नज़दीक वाला जो 3 फीट होगा, अगर सपोज़ आपका एक बीम है 10 फीट का, तो स्टार्टिंग का जो 3 है यहाँ से जो 3 फीट होगा उसका जो डिस्टेंस बिटवीन बाइंडर्स होंगे वो 5 इंच का होगा, 4 इंच का होगा और 5 इंच का होगा, और मिडिल में 6 इंच करना है। फिर इसी तरह से अगले कॉलम के पास कर देना है सेम चीज़ L/3 करके आपको बाइंडर का यूज़ करना है। और ये छत का स्टील आप देख रहे हैं जिसमें 10x10mm और 8mm का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग एक आने वाले एक वीडियो में 10mm और 8mm का एक के पर हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपका छत के बारे में बताएंगे। उसमें हम लोग छत का लैपिंग होगा, ये कौन सा स्टील यूज़ करना चाहिए छत, हम लोग टोटली एक रूफ़ का रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए। छत में हम लोग जनरली 10mm और 8mm का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक छत के रीइंफोर्समेंट के बारे में एक स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे। हमारे और भी अगर वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ऑनगोइंग साइट का हम लोग काफ़ी सारा लाइव वीडियो भी डालते हैं जो कि आपके लिए नॉलेज के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप कॉलेज फ्रेशर हैं, तो भी आप इस चीज़ को देखिए। ये डक्ट दिया गया है सामने में, जो आप देख रहे हैं वो एक डक्ट है जिससे कि ड्रेनेज पाइप्स वगैरह जाएंगे, और एयर वेंटिलेशन के लिए भी दिया गया है।
तक इसी तरह से हमारे और भी वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पे, और हम लोग एक नया वीडियो लाएंगे जो कम्प्लीटली स्लैब का रिइंफोर्समेंट के बारे में होगा, फिर एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में हम लोग बताएंगे। तो ये सब काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिविल इंजीनियर्स को जो जानकारी होना ही चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे करते हैं, उसका डायग्राम क्या होता है, ये सब हम लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।